नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ फुलवरिया से लेकर शिवपुर तक बनने वाले 4 लेन प्रोजेक्ट के बारे में क्या अपडेट है। तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा और चैनल में दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सामने आप ये देख रहे हैं, ये रेलवे लाइन पर इस ब्रिज का निर्माण हो रहा है और इसी ब्रिज के चलते ये रेलवे का ब्रिज काफ़ी देर ये प्रोजेक्ट हुआ। फिलहाल इस का कितना निर्माण हुआ है ये आप देख रहे हैं कि इस तरफ ये वाई शेप में एक तरफ चले जाएगा लहरतारा के लिए और दूसरी तरफ चले जाएगा ये बौलिया के लिए। ये दो भाग में डिवाइड है। और ये देख रहे हैं रेलवे के ऊपर जो ब्रिज बन रहा है, इस ब्रिज को बनाने के बाद यहाँ पर सेटिंग किया जाना है, क्योंकि अभी फ़िलहाल ये यहाँ से ये मुड़ जाएगा और ये जो आगे आप देख रहे हैं ये चले जाएगा फुलवरिया के लिए। ये सामने ये रेलवे लाइन से उतरकर सीधे नीचे की तरफ पुल फुलवरिया के लिए चले जाएगा। ये आप देख रहे हैं फुलवरिया गाँव के लिए सीधे आगे ये उतर जाएगा और ये आगे की तरफ होते हुए इस प्रकार पुल यहाँ तक बन गया है। और ये रेलवे में यहाँ बन रहा है जिसको थोड़ा सा टेढ़ा करके और ये रेलवे लाइन के ऊपर से गुजारते हुए और इस तरफ देखेंगे तो लहरतारा और बौलिया दो भागों में ये डिवाइड हो जाएगा आगे की तरफ। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं और दिखाते हैं आपको निर्माण कार्य। देख रहे हैं इसकी पेंटिंग अभी हो रही है, एक तरफ का हिस्सा बन चुका है इस पुल का। और ये रेल लाइन सीधे चले जाएगा आगे वाराणसी के लिए और मेरे पीछे चले जाएगा आपका भदोही के लिए। चलिए दूसरे एंगल से मैं आपको ये दिखाऊं रेलवे ब्रिज जो बन रहा है और इस तरफ चल के आपको दिखाएं तो यहाँ आपका दो भागों में बढ़ जाएगा लहरतारा और बौलिया की तरफ। ये आप देख रहे हैं एक लहरतारा की तरफ चले जाएगा, दूसरा बौलिया की तरफ। ये देख रहे हैं ये सामने आगे की तरफ चले जाएगा बौलिया और इसके दूसरी तरफ जो शाखा निकली है वो चले जाएगा आपका लहरतारा के लिए। काम में काफी तेजी से यहां पर शुरुआत हो चुकी है। ये आप देख रहे हैं दो शाखा यहां पर वाई शेप में ये आकार है, यहां पर सामने लहरतारा और इधर बौलिया। देख रहे हैं दोस्तों ये आपका सीधे आगे की तरफ ये चले जाएगा बौलिया की तरफ आगे उतरेगा। तो चलिए आखिरी छोर तक दिखाते हैं इसको। ये देख रहे हैं ये आपका जहाँ रेलवे लाइन है शिवपुर की तरफ, उस तरफ से आगे बढ़ते हुए ये नीचे बौलिया की तरफ यहाँ इतना निर्माण कार्य, जहाँ पर दोनों तरफ देखेंगे सड़क के किनारे आपका सर्विस रोड के लिए। अभी फ़िलहाल यहाँ पर अधिग्रहण के पश्चात जितनी भी दुकानें और दुकानें थी सबको तोड़ना बाकी है। और इस तरफ आप देखेंगे आगे की तरफ काफ़ी चौड़ा यहाँ पर रोड हो चुका है दोनों तरफ।
यहाँ देखेंगे तो यहाँ फुटपाथ का निर्माण, ये बौलिया लहरधारा वाटर टंकी, दोस्तों ये मार्ग आप देख रहे हैं ये वन वे होगा, यानी कि आपका अगर लहरतारा से फुलवरिया की तरफ जाना हो तो लहरतारा से होते हुए जाएंगे, और वापसी में आप अगर आना चाहते हैं लहरतारा या बौलिया आना चाहते हैं तो बौलिया या फिर लहरतारा से आपको नीचे की तरफ आना पड़ेगा, यानी कि एक ही मार्ग आपको जाने के लिए मिलेगा फुलवरिया की तरफ, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं ये है बौलिया मार्ग, और ये मेरे सामने आप देख रहे हैं स्क्रीन में ये है डिवाइन सैनिक स्कूल, और ये बौलिया मार्ग में पड़ता है जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो चलिए अब आगे आपको दिखाते हैं लहरतारा वाला मार्ग, वहाँ पर क्या निर्माण है। ये मार्ग आप देख रहे हैं ये है आपका सीधे आगे चले जाएगा बौलिया से होते हुए फुलवरिया की तरफ, ये फ्लाईओवर ऊपर की तरफ जाएगा, और ये आप देख रहे हैं ये चले जाएगा लहरतारा की तरफ। यहाँ अभी निर्माण कार्य नीचे के पूरा बाकी है जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं ये लहरतारा सीधे अभी भी यहाँ पर इस फ्लाईओवर का निर्माण कार्य चल रहा है जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, और ये इस तरफ चले जाएगा आपका शिवपुर की तरफ, रेलवे क्रॉसिंग होते हुए शिवपुर की तरफ। चलिए आगे चलते हैं लहरतारा की तरफ, वहाँ निर्माण कार्य कितना हुआ है वो आपको दिखाते हैं वीडियो के माध्यम से। पहले ये फ्लाईओवर आपका जीटी रोड के पहले उतरने वाला था, लेकिन बाद में इसमें परिवर्तन करके अब इसको सीधे जीटी रोड पार कर लहरतारा तक इसको उतारा गया है। तो आगे आपको देखेगा जीटी रोड क्रॉस करके ऊपर से ये सीधे लहरतारा में उतर जाएगा। इसके बनने से आपका जो नदेसर और पांडेपुर इस तरफ शिवपुर जाने के लिए काफ़ी भीड़ लगती थी, उससे इसके बनने के बाद जाम से इसको मुक्ति मिलेगी। शिवपुर फुलवरिया ये आपने इस वीडियो के माध्यम से देखा। ये दोस्तों देख रहे हैं ये आप जीटी रोड है, और जीटी रोड के दूसरी तरफ ये लहरतारा के लिए चला जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ, और वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और दोस्तों चैनल बनाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप डिटेल में इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। चलिए नए वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, हर हर महादेव।